Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. वॉक वॉक आइलैंड जाते हुए हमें हमारे जहाज पर बेबी रॉकबर्ड मिला, लेकिन उसकी मॉम इतनी फ्रेंडली नहीं थी। जहाज के डूबने के बाद हम एक स्ट्रेंज आइलैंड पर पहुंचे और अब हमें मिलकर काम करना होगा। कुछ बचा नहीं, सब कुछ तबाह हो गया। न जाने आगे क्या क्या होने वाले हैं हमारे साथ। फिक्र की कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, मैं किसी चीज से भी जहाज बना सकता हूँ। इनकी बातों से तसल्ली नहीं हो रही, क्या तुम कोई ऐसी बात कह सकते हो जिससे मेरी फिक्र कम हो जाए? काफी अरसे से यहाँ बारिश भी नहीं हुई। ये तो और फिक्र की बात है, बारिश के बगैर हमारा ताज़ा पानी खत्म हो जाएगा। मुझे यहाँ डर लग रहा है। कोई भी अंदर नहीं जा। हमारे पास पानी नहीं है और जहाज को बनाने में हमें काफी। ये तुम सबके ग्रेट कैप्टन सिंबाद का ऑर्डर है। मैंने कहा कोई भी इस तरफ नहीं जाएगा, मेरी बात को मानो। क्या कुछ गलत हुआ है? सबका सब गलत हुआ है और अब तुम सब भी बगावत कर रहे हो। वैसे आज तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। अच्छा, तब हमें बोलने के लिए भी इजाजत लेनी होगी। उससे इस लहजे में बात मत करो। मैं जिस लहजे में भी चाहूँ बात करूँगा उससे। कैप्टन, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ओह अच्छा, वरना क्या? उठा के फेंक दूंगा समंदर में। सिंबा, आप जहाज तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं पीने का पानी लेने जाऊंगी। ठीक है, जाओ जहाँ जाना है तुम्हें। तमीज से बात करो वरना। वरना क्या? इनका मसाला क्या है? जल्दी छुपाओ इसे। हाँ ठीक कहा तुमने। करीम, तुम मेरे साथ चलोगे। सिंबाद और पोचो जहाज तैयार करेंगे और अब मुझे कोई भी यहाँ लड़ता हुआ दिखाई ना दे। देखा, मैंने कहा था ना, मुझसे कोई नहीं टकरा सकता। किस तरह से बात कर रहा था, बस इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। वेल, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। शेरजा, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, हलील ने कुछ महसूस किया है। एक मिस्ट्रिक सेंट्री चार्म है जिससे आपके सर में हजार गर्जों की आवाज आती है। मिस्ट्रिक सेंट्री चार्म जमीन पर डाली जाती है किसी जगह की हिफाजत के तौर पर काम करने के लिए। तो इसका मतलब है अगर ये आपको सुनाई दे रहा है तो इसे आपके आका ने रखा होगा जो है। बिल्कुल सही समझा, तुम्हारे अपने ही बाबा हारून खालिद। जमरूद, ये क्या हुआ था? समंदर की तेज लहरें जिन्हें काबू करना मुश्किल है, वहीं से करना है रास्ता तलाश। ये तो स्टॉर्म बैरियर की बात कर रही है जनान, हमें वहाँ चलना चाहिए। तो इसका मतलब वो लोग किसी मुश्किल में है? फिर से वही आवाज, तुमने सुनी? ये ट्रीज के लहराने से आ रही है, परेशान मत हो करीम। ये ट्रीज की आवाज नहीं है, माफ कर देना, मुझे नहीं पता कि हमें चलना होगा। क्या कुछ देर खामोश नहीं रह सकते हलील? शेरजा, करीम, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। हलील सही कह रहे हैं, हमें चलना चाहिए। मुझे और क्यों आए मेरे आइलैंड पे? सॉरी, हमें पता नहीं, हम बस जा रहे हैं। ये आवाज तो जानी पहचानी सी है। जानी पहचानी आवाज किसी दोस्त की है या? हम यहाँ पर पीने का पानी लेने आए थे। करीम, मैं बात करती हूँ। खामोश। गुस्सा तुम पे अच्छा लगता है। ये आवाज तो एक इनाम की है। कौन ले रहा है मेरा नाम? तुम गुलाम थे हारून खालिद के। आप हारून खालिद को कैसे जानते हैं? उसी ने मुझे इस आइलैंड पे कैद किया था। चले जाओ यहाँ से। करीम! पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकता था। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बताओ लास्ट विश क्या है तुम्हारी? तुम्हारा खेल अब खत्म। बदला भी बहुत बुरी चीज है। नहीं। चलो शेरजाद, हमें यहाँ से जाना होगा। तुम दोनों ये चाहते हो कि मैं अपना कीमती जहाज तुम लोगों को दे दूं जो मुझे बहुत अजीज है। माफ करना मुझे, मैं तुम्हें अपना जहाज नहीं दे सकता। जब मैं चोरी किया करता था तो मुझे किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी। अगर सही मकसद के लिए चोरी की जाए तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं। शुक्र है मैं मरा नहीं बल्कि मैं जिंदा हूँ। बल्कि मुझे बाहर निकल के देखना चाहिए मैं कहाँ हूँ। अब मुझे आँख खोल देनी चाहिए। अरे ये तो समंदर है, मैं मरा नहीं हूँ, बच गया हूँ, बच गया हूँ, बच गया हूँ। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, बस मुझे रास्ता तलाश करना होगा। सिंबाद, हमें फौरन इस आइलैंड से जाना होगा। क्यों नहीं? क्या आपने सिर्फ ये बनाया है? ओह सॉरी,
तुम्हें लग रहा है कि लकड़ी के दो पीस जोड़कर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ओह, तो तुम्हें इसमें भी मसला है। अगर आज आप हमारे साथ चलते तो शायद हलील जिंदा होते। वाह, अफसोस हुआ सुनकर। जाने हलील। लड़ते रहो बेवकूफों, में खुद ही जहाज बना लूंगा। तुमने हमें बेवकूफ कैसे बोला? इस तरह तो ये जहाज कभी नहीं बन सकता। तुम्हारी वजह से यही फंसे रहेंगे। ये सब शेरजाद की नहीं, इसकी वजह शेरजाद नहीं तुम हो। तुम बाल पाल बचने वाला मैं तुम काम के नहीं हो। मैं चाहता हूँ आपके लिए कशाम बना लूँ। कितना दम देखता हूँ। ठीक है, तो स्टॉर्म बैरियर स्टार्ट हो गया। स्टॉर्म बैरियर से कोई नहीं बचता जब तक नेक्रोमैटिक नेविगेशन ना हो, और मेरे पास नेक्रोमैटिक नेविगेशन है। स्टॉर्म बैरियर, अब तुम मुझे नहीं डरा सकते। जल्दी अंदर आ जाए, हमें यहाँ से फौरन निकलना है। मैं चार महीने का था जब से जहाज बना रहा हूँ, और तुम्हें क्या आता है सिर्फ लोगों को डराने के लिए? बंद करो। निकल जाऊंगा मैं यहाँ से खुद ही। वापस करो ये। सबके साथ उसने ये कहा था कि जब उसे यहाँ पर फेंका गया तो उसके पास खाने को कुछ नहीं था, इसीलिए जब से हम लोग इस आइलैंड पर आए हैं हम लोग लड़ ही रहे हैं, क्योंकि वो जिंदा है नेगेटिव एनर्जी पर। पता नहीं कि आप ये जानते हैं या नहीं, लेकिन आप दुनिया के सबसे बेस्ट सेलर हैं। पोचर, आपकी वजह से हमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। ये नहीं हो सकता, बंद करो ये। और करीम, तुम दुनिया के सबसे बेस्ट सुल्तान बनोगे। करीम, क्यों ना हम लोग अपने अंदर के गुस्से को दबाए रखें और अपने काम पर ध्यान दें। मैं जहाज को उस तरफ लेकर जाता हूँ। नेक्रोमेंटिक नेविगेशन नीडल के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और हाँ, मैं बताना भूल गई, लेकिन आपकी पर्सनालिटी से मैं फर्स्ट डे से ही इम्प्रेस्ड हूँ। ओह थैंक यू, क्योंकि मैं हूँ ही बेस्ट। मेरी लास्ट वार्निंग है तुम सब के लिए। जितना चाहे छुपा लो, लेकिन गुस्सा और गम तुम्हारी आँखों से साफ नजर आ रहा। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे दोस्त हलील को संभल कर शेरजाद, उसकी बातों में मत आना। बहुत अफसोस हुआ उसके जाने का बेचारा। हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और वो बहुत ही अच्छा था। एक चालबाज और बुरा जिन नहीं था तुम्हारी तरह। शेरजाद, मत सुनो उसकी बात। बेचारा हली। शेरजाद, छोड़ो उसे और जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना। हम जा सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। क्या? क्यों? हम स्टॉर्म बैरियर से कभी नहीं गुजर पाएंगे नेविगेशन नीडल के बगैर। मैंने वो हलील को दी थी कि उसे महफूज रखे। ये तुमने क्या किया? वेट, ये आवाज सुनी? हम बच गए। हलील वापस आ गया। हलील, यस, ये हो सकता। और हमारे दोस्त भी हमें बचाने के लिए आ गए। हमें एक नया जहाज भी मिल गया। आप जानते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं तो और भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। तुम भी बहुत अच्छे हो पोटर, तुम हमारे खाने का हमेशा ख्याल रखते हो। वरना मारे जाएंगे हम लोग। जल्दी बचोगे तुम। मुझे लगता है कि हमें उस आइलैंड से जुड़ी किसी भी चीज को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। तुम भी क्या अजीब लड़की हो। बहुत जल्द हम एक नया सबक सीखेंगे जिसमें हम जानेंगे कि कोई भी ख्वाहिश करने से पहले सोच लेना चाहिए।